अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू Learn.Pk। आज हम बात करेंगे Learn.Pk की तरफ से फ्यूचर में उठाए जाने वाले तीन ऐसे कदम जिनका स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला कदम और सबसे बड़ा वो ये है कि आज तक Learn.Pk की तरफ से FSC की MCQ प्रैक्टिस, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चैप्टर वाइज, इसके अलावा बायोलॉजी इंग्लिश, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई है। जबकि मैट्रिक के MCQs की प्रैक्टिस के ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है जैसे UET, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मैट क्या था, इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, MCQs किस टाइप की आती हैं, इसके अलावा UET फास्ट कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की, इन तमाम चीज़ों को कवर करने की बेहद ज़रूरत थी। इसके लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी करते हैं कि सर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमें गाइड करें। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है एक जो कि हम फ्यूचर में इसे कवर करेंगे। इसके लिए एक टीचर को भी हायर किया गया है जो कि मैथमेटिक्स UET, इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और FSC की मैथमेटिक्स के लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे बड़ा स्टेप ये था। दूसरा जो स्टेप है, क्योंकि स्टूडेंट का मैट MDCAT का और कोई भी इंट्री टेस्ट का इतना नहीं होता कि वो MBBS कर सकें, लेकिन स्टूडेंट की मजबूरी होती है कि उनका शौक होता है और वो फॉरेन कंट्री को फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमने उधर से कर लेंगे, चलें कोई बात नहीं, MBBS की डिग्री तो हम हासिल करनी करनी है। तो उनकी ये मजबूरी होती है, उनकी इस मजबूरी को फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी की कमी है, इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बेशुमार लोग मार्केट में आ गए हैं। और हर कोई, क्योंकि अपना अपना कमीशन रखा होता है, कोई भी स्टूडेंट जाता है जब वो फीस पे करता है तो उसका कमीशन बैक उस आदमी को पे करते हैं जो कि आपको लेकर गया था। तो यही वजह है कि बेशुमार लोग, एक आदमी जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने भी मजीद किसी से इनडायरेक्टली बात की हुई है, वो आपको बताएगा। आज तक उसने बायो को चाहे हाथ नहीं लगाया, वो आपको बताएगा ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, एक भी बुरी बात नहीं बताएगा। तो स्टूडेंट को इनके बारे में करेक्ट गाइड करना, उनकी रहनमाई करना, उन्हें किस तरह से जज जाना चाहिए, इस किसी भी यूनिवर्सिटी की कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सी बुरी क्वालिटी है, बाद में एक स्टूडेंट की मर्जी है, वो जाना चाहता है जाए, नहीं जाना चाहता ना जाए, लेकिन कम अज़ कम उसे उस यूनिवर्सिटी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की दे। तो इस चीज़ को भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होगा कि तमाम स्टूडेंट बस चले जाएँ, लेकिन ये मकसद हमारा ज़रूर है कि स्टूडेंट को इन यूनिवर्सिटी के बारे में, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी क्या क्वालिटी है, उनके क्या क्या बेनिफिट होंगे स्टूडेंट को, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन तमाम चीज़ों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनको एक पाथ प्रोवाइड करना जिनके ज़रिए वो अपने आप को स्टेबल फील करें, पेरेंट को किसी चीज़ की टेंशन ना हो, उन्हें पता है कि जिस रास्ते से जा रहे हैं ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इस चीज़ को भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अलावा एक थर्ड स्टेप है जो कि वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, और वो ये है कि स्टूडेंट के बारे में एक मोटिवेटिव वीडियोस, जैसे कि MDCAT, इसके अलावा डिफरेंट मोटिवेटिव वीडियोस होती हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट एडुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट को इन चीज़ों की बहुत फीलिंग बहुत ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट MDCAT का इतना स्ट्रेस होता है कि वो कवर नहीं कर पाते, तो स्टूडेंट को लाइव स्ट्रीमिंग, इसके अलावा डिफरेंट मोटिवेटिव वीडियोज़ के ज़रिए इस बात का उनको बताना कि किस तरह से लोग जो थे, ज़ाहरी बात है कोई ऊपर जाता है तो ज़ाहरी बात है हर एक स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है, इसके अलावा अगर कोई फेल होता है तो उसके लिए क्या मोटिवेटिव है, क्या उसके लिए करना चाहिए, इससे पहले लोग जो उनसे थे वो भी फेल हुए, उन्होंने फ्यूचर में क्या किया। तो इस चीज़ को भी हम 1 वीक या 2 वीक में कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक बेटर क्वालिटी एडुकेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट सिस्टम, एक ऐसा Learn.Pk प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हर चीज़। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जो रिज़ल्ट अपलोड किया है उसमें क्या क्या चेंजिंग है जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता। उसमें एक ये बात है कि बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स मिल चुके हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया, वो कह रहा था सर पहले मेरे 188 थे, अब मेरे 191 हो गए हैं, 3 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह से एक का कमेंट आया, मेरे पहले 192 थे, अब 193 हैं, और उसका रिज़ल्ट मैंने खुद देखा। इसी तरह से बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कम या ज़्यादा हुए हैं, लेकिन शायद उसी MCQs के, उसके अलावा एक दो और MCQs का स्टूडेंट
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने चेंजिंग की हो आंसर की में या फिर आंसर की के लिए ग्रेस मार्क्स दिए हों, इस चीज़ का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने किसी को भी नहीं बताया। यही उनकी सबसे अच्छी अच्छी क्वालिटी समझ लें, क्योंकि जब वो बताते तो फिर न्यू इशू शुरू होते। लेकिन उन्होंने एक और प्रोसेस शुरू किया है, वो कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कम है और कहते हैं मेरे ज़्यादा अंक चाहिए थे, तो MDCAT की रीचेकिंग वो करा सकते हैं, जिसकी फ़ी है 200 जो कि ख़ास बैंक में उन्हें पे करनी होगी। इसके ऊपर भी मैं जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ताकि स्टूडेंट को गाइड किया जाए कि किस तरह से आपने इसका फॉर्म फिल करना है, इसके लिए आपने अप्लाई करना है, फ़ी जमा करा के आपने रीचेकिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप जाएँ तो आपको कम अज़ कम फ़ायदा हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का कि स्टूडेंट कम अज़ कम अपने नंबर की रिकाउंटिंग और रिचेकिंग करा सकता है। तो ये थी चंद चीज़ें। इसके अलावा कोई भी न्यू वीडियो जैसे जैसे अपडेट आते रहेगी उसको आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।